एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक। डिलीवरी के बाद फर्स्ट मंथ में आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए, वो उस पर मैं आपके साथ आज बात करने वाली हूँ। नॉर्मली तो हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज चीज़ें फॉलो होती हैं, हर किसी का खाना अलग होता है। मैं जनरली साउथ में रह रही हूँ तो यहाँ के लोगों का खाना बहुत अलग है। यहाँ पे राइस खिलाया जाता है, राइस का पानी पिलाया जाता है, राइस से बनी हुई चीज़ें खिलाई जाती हैं। बल्कि जब हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमें गेहूँ, आटे, गुड़, उन सब की चीज़ें खिलाई जाती हैं। उन सबसे बनी हुई चीज़ें खिलाई जाती हैं। सो आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ। मेरी जो दो प्रेगनेंसी डिलीवरी रही हैं उसमें मैंने आफ्टर वन मंथ मैंने क्या क्या खाया है और कब खाया है, कितना खाया है, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आपने ये तो सुना ही होगा कि हमेशा आपको आपका हेड कवर रखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। अगर आप हेड कवर हमेशा नहीं रख पाएँ तो आपको अपने कान में कॉटन तो ज़रूर रखना चाहिए, अपने पैरों को कवर करके रखना चाहिए, अपने हेड को कवर करके रखना चाहिए, अपनी बॉडी को इनिशियली डेज में कवर करके रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब गर्म पानी से बाथ लेते हैं तो एकदम से आपको हवा में नहीं आना है, आपको कुछ टाइम तक उसमें लेट जाना है सीधे, और अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके फोल्ड करके लेट जाना है आपको कुछ ब्लैंकेट या ओढ़ के, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को एक वार्म्थ देने के लिए। उस टाइम बिल्कुल भी आप उस टाइम के लिए फैन ऑन ना करें, वो बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। सेकंड है, आपको रिकवरी के लिए जीरा अजवाइन का पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपकी बेबी को अजवाइन का पानी सूट नहीं कर रहा है तो आप जीरे का पानी भी पी सकते हैं, तो वो पानी आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा क्योंकि अजवाइन है उसमें, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा स्टार्टिंग रिकवरी के लिए, आपकी क्लीनिंग के लिए, अंदर सिस्टम के क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर गर्मी के दिनों में आपको अजवाइन का पानी सूट नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल गर्म पानी तो आपको पीना ही पीना है उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपको ठंडा पानी पी रहे, नहीं, आपको उस टाइम पे अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए गर्म पानी तो पीना ही पीना है। और अगर आप अजवाइन और जीरे वाला पानी पी पाएँ तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। अगला है, आपको अपना सर को कवर रखने के साथ साथ आपको अपने सर की रेगुलर चम्पी भी करवानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ में जनरली घी से सर पे मसाज की जाती है, पर मुझे जनरली घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है सर पे, तो मैंने अपनी दोनों ही डिलीवरी के बाद कोकोनट ऑयल से अपने सर पे मसाज करवाई है। आपको कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके लेना है और अपने सर पे अच्छे से मसाज करवानी है। वो आपको डेली बेसिस पे करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको हेडेक और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। उससे बेनिफिट्स तो होंगे ही, आपको हेडेक और उन सब की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और सेकंड, आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट, बालों की केयर के साथ साथ हमें अपनी बॉडी की भी केयर करनी है क्योंकि बॉडी ने 9 मंथ तक बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, तो वापस उसको उसकी शेप में आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें रेगुलर मालिश करवाना बहुत ज़रूरी है उस टाइम, कि आगे जाके आपका बॉडी पेन ना रह जाए, आपके बॉडी में जो फैट आपने गेन किया था उसकी वजह से जो आपकी स्किन स्ट्रेच हुई थी उसको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए उस टाइम मालिश करवाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में आप आफ्टर 7 डेज ही मसाज करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी दोनों, मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल रही है और बहुत नॉर्मल रही है। उसमें भी मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी कि मेरी दोनों ही डिलीवरी बहुत नॉर्मल, बहुत स्मूथ रही है। तो मैं भी आपके साथ वो शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, वो मेरे वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो आपको मसाज करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल थी तो मैंने आफ्टर 7 डेज 1 वीक के बाद मसाज करवाना स्टार्ट कर दिया था, और ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ तक रेगुलर मसाज करवाई थी। एंड आप भी ऐसा करवा सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। नॉर्मल में आप 7 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं, बस सिजेरियन में आप अपने डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कीजिए, जब आपके स्टिचेस ठीक हो जाते हैं तब स्टार्ट कीजिए, और आप स्टिचेस वाला एरिया अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ टाइम तक मसाज करवाने के लिए। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही स्टार्ट कीजिए कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। और खाने में आपको उस टाइम पे बहुत सारी गर्म चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है और बहुत सारी हल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। वो जैसे कि मैंने बताया, हर जगह पे अपना अपना अलग अलग होता है, कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मैंने खाए थे फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड बिलीव मी, मुझे कभी भी बैक पेन, बॉडी पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मेरी फर्स्ट
डिलीवरी को 7 ईयर्स हो गए हैं, मेरी बड़ी वाली बेटी 7 साल की है, उसके बाद से मुझे कभी भी प्रॉब्लम बैक पेन की नहीं हुई है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक कांगनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो कांगनी के लड्डू होते हैं वो आपकी बैक पेन को ठीक करते हैं, वो बैक पेन के लिए ही खाए जाते हैं। तो थ्रू आउट 1 मंथ डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ तक मैंने डेली एक कांगनी का लड्डू, और दूसरा हमारे यहाँ पे खाते हैं अजवाइन, अजवाइन का लड्डू, इन दोनों की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनल तरीके से मेरी सासू माँ ने यहाँ पे आके मेरे लिए बनाया था, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखना। और वो बिलीव मी बहुत हेल्पफुल होते हैं, अजवाइन गर्म होती है तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए और आपके बॉडी का अंदर से क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। स्टार्टिंग आपको अजवाइन से ही करनी चाहिए, आपको अजवाइन डेली खानी चाहिए। अगर गर्मी का टाइम है और आपको गर्म कर रही है, तो पूरा एक लड्डू ना खा के आप हाफ लड्डू पर डे खा सकते हैं। दूसरा है कांगनी, कांगनी भी कंपल्सरी होती है खाना, आपको ज़रूर खानी है, वो आपको बैक पेन में तुरंत रिलीफ देगी, आप देखना, आपको बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कभी बैक पेन नहीं होने वाला है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे हलवा, कुछ लोगों के यहाँ पे सीरा बनाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे देसी घी में और आटे का हलवा बना के दिया जाता है, और बोला जाता है वो आपको अपने पेट पे रख के खाना है, गरम गरम एक प्लेट में दिया जाता है, वो गरम प्लेट आपको अपने पेट पे रख के खानी है, और आपको जो उसमें बाद में घी बच जाता है वो आपको अपने पेट पे लगाना है, सो दैट आपके पेट की जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाए और आपका पेट अंदर चला जाए। इसलिए वो चीज़ बोलते हैं कि गरम से आपका पेट सिक जाएगा, और उसके बाद वो जो बचा हुआ घी होता है उसमें देसी घी, वो लगाने से वो डार्कनेस चली जाएगी। तो वो एक पंथ दो काज वाली बात है, वो आपको खाने में भी इम्प्रूव कर रहा है और लगाने में भी। सो इसके अलावा जो मैंने खाया वो था दाल और घी वाली रोटी, मूंग वाली रोटी जो बोलते हैं वो, और एक मस्त चीज़ है, स्टार्टिंग में जब स्टिचेस होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस होते हैं, तो उस टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आपके लिए अच्छा है। डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं कि ये आपको लेनी है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए कुछ 7 डेज तक, जब तक स्टिचेस हील नहीं हो जाते हैं तब तक, पर उसे भी उसका भी एक शॉर्टकट है कि आप अगर दवाई अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी डाइट में डेली पपाया इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टूल नॉर्मल अच्छे से पास होगा अगर आप डेली अपने फूड में पपाया खा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर रखा था शाम का इवनिंग का जो टी टाइम होता है उस टाइम पे मैं पपाया खाऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी, उस टाइम पे मैं डेली पपाया खाती थी तो मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, पहले ज़माने में पेट पे कपड़ा बांधा जाता था कि पेट अंदर चला जाए, जो भी चीज़ें हैं वो वापस अपनी जगह पे सेट हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। सो अभी आ गया बेल्ट, आप एक बेल्ट खरीद सकते हो, सो दैट वो इजी रहती है बांधने से, इजी रहती है बेल्ट पहनना, कि आप वॉशरूम जा रहे हो जल्दी से निकालनी आपको, निकाल सकते हो, आप खाना खाना है कुछ खाना है तो आप निकाल सकते हो, तो वो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में वही आप 7 to 10 days के अराउंड पहनना स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग 2 to 3 day पे भी स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने हमेशा 7 day के बाद ही पहनना स्टार्ट किया है, जब स्टिचेस थोड़ा नॉर्मल हील हो जाए उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया है पहनना। और रही बात सिजेरियन डिलीवरी की, तो सिजेरियन डिलीवरी में आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही स्टार्ट करना है कि आप कब से बेल्ट पहन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बेल्ट आपको पेट पे पहननी है और स्टिचेस भी आपके वहीं पे होते हैं, तो जब तक आपके स्टिचेस अच्छे से हील ना हो जाएं तब तक आपको बेल्ट नहीं पहनना है। और सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं इसमें, आपका क्या ओपिनियन है कब से पहनना चाहिए और आपने कब पहना था, तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको कुछ अपने लिए नाइटीज़ खरीद लेनी चाहिए, और ओब्वियसली आपने खरीद ली होंगी अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो, पर वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होती हैं, आपको अपने बेबी को रात रात को उठ के फीड करवाना होता है तो आपको कंफर्टेबल नाइटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बार फीड करवा रहे हो आप, इतनी बार उठ रहे हो, तो वो ओपन वाली होनी चाहिए, ऊपर से ओपनर वाली होनी चाहिए, तो वो आपके बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ईजी रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेज आते हैं, सिजेरियन डिलीवरी में भी स्टिचेज आते हैं, तो इनिशियली आपको अपने स्टिचेज की केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर नॉर्मल डिलीवरी है, मेरा एक्सपीरियंस दोनों टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी का रहा है, और टचवुड मेरी दोनों ही टाइम पे नॉर्मल डिलीवरीज में स्टिचेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्टिचेज हील करने में टाइम लगता है 10 days के अराउंड, 7 to 10 days का टाइम लगता है, पर वो आपको अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है उसमें भी, जैसे कि आपको सिजेरियन में स्टिचेस की केयर करने की ज़रूरत है, वैसे ही आपको नॉर्मल में भी स्टिचेस की केयर करने की ज़रूरत है। सो मैंने
दोनों ही डिलीवरीज में मेरे डॉक्टर ने मुझे कभी भी कुछ लगाने के लिए लुब्रिकेशन वगैरह नहीं दिया था, सिर्फ ओनली एक बात बोली थी कि बार बार उसको हॉट वाटर से क्लीन करना है और उस एरिया को हमेशा ड्राई रखना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने कोई भी आपको बिटाडीन या ऐसा कोई सॉल्यूशन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और बिलीव मी ये बिल्कुल ही सही है कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसी एरिया को ड्राई रखेंगे, उस एरिया को आप हॉट वाटर से हर बार क्लीन करेंगे जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं। अगर आप बहुत देर तक वॉशरूम नहीं जा रहे हैं तो आप इसलिए चले जाइए कि जैसे आपको क्लीन करना है, और बाद के टाइम पे आप एक गर्म पानी के टब में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए ताकि उस एरिया को आपको हील करने में हेल्प मिले। उसको हमेशा ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसे ड्राई नहीं रख पाए, आपको अपना पैड इनिशियली 2 to 3 hours में चेंज कर देना चाहिए। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आप उससे भी पहले चेंज कर सकते हैं। आपको उस एरिया को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप रूम बंद करके लेट जाइए फ़ैन चला के कि वो एरिया थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और हमेशा उस एरिया को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके स्टिचेस कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इनिशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टिचेस में बैठने का, उठने का, वो सब जो सिजेरियन में होता है वो ही होता है। दोनों ही डिलीवरी अपने आप में डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन अच्छा है या नॉर्मल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही डिफ़िकल्ट है, लेडीज़ के लिए दोनों ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है जो आपकी मेडिकेशन जो आप ले रहे थे वो आपको कंटिन्यू करनी है आफ्टर डिलीवरी भी। आपको आपकी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो आपकी चल रही थी वो आपको कंटिन्यू करनी है। जैसे कि मैं हाइपोथायराइड हूँ, दोनों ही प्रेगनेंसी में मैं हाइपोथायराइड रही हूँ, तो मैंने डिलीवरी के बाद भी मेरी थायराइड जो जितनी डोज चल रही थी उसी डोज पे कंटिन्यू की है, और मैंने अपनी आयरन और कैल्शियम भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए, क्योंकि आप बेबी को फीड करवा रहे हो, आपकी बॉडी का कैल्शियम जा रहा है, तो आपको सिर्फ खाने से वो अभी कंप्लीट नहीं होगा, आपको मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, आपके लिए ज़रूरी है। सो उनको ना भूलें और अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको क्या क्या मेडिकेशन कंटिन्यू करना है। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है बिकॉज ऑफ थायराइड, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उनको अवॉइड करने के लिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा वीडियो जिसके लिए हेल्पफुल हो उसके लिए शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।